students welcome to the english class today we will discuss building blocks tenses so students we had already discussed tenses in previous chapter today we will discuss in detail so students tenses are of three types past present and future so students past is uh, a time जो कि आपका टाइम बीत चुका है जैसे कल पिछले पिछले कल आपकी ऑनलाइन क्लास थी दैट इज़ पास्ट और टुडे वी वी आर रीडिंग टेंसेस दैट इज़ प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड वी विल डिस्कस टुमारो वी विल डिस्कस आफ्टर सम डेज नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ फ्यूचर ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस दिस इज रोहन ओके स्टूडेंट्स रोहन प्लीज फुटबॉल एवरी डे एंड अगर हमें बताना है कि रोहन जो है कि रोहन ने पिछले कल खेल फुटबॉल uh, खेला था और रोहन आज आज फुटबॉल खेल रहा है या फुटबॉल खेलता है डेली उस वो क्या हो गया आपका प्रेजेंट प्रजेंट टेंस जो आप डेली की हैबिट बता रहे हो उसकी ठीक है और अगर आपने बताना है कि रोहन जो है कल फुटबॉल खेलेगा तो वो क्या होगा आपका फ्यूचर ओके यू कैन से इन पास्ट टेंस रोहन प्लेड फुटबॉल यर्स टुडे रोहन ने पिछले कल फुटबॉल खेला था दैट इज पास्ट दैट इज हिज पास्ट एंड प्रेजेंट ही प्लेज फुटबॉल एवरीडे रोहन डेली फुटबॉल खेलता है मतलब डेली मतलब उसका डेली रूटीन हो गया डेली रूटीन को आप प्रेजेंट uh, टेंस में एक्सप्रेस करते हो एंड uh, रोहन कल फुटबॉल खेलेगा उसको आप कैसे बोलोगे रोहन विल प्ले फुटबॉल टमोरो ओके सो स्टूडेंट्स यू कैन से कि आपको पास्ट टेंस की आपको क्या हिंट मिलेगी उसमें आप यर्स्टडे यूज़ करोगे अगर यस्टरडे है दैट इज़ पास्ट टेंस ओके और अगर आपकी डेली हैबिट है दैट इज़ प्रेजेंट टेंस और आप जो नेक्स्ट टाइम मतलब आने वाले टाइम में करोगे दैट इज़ फ्यूचर ओके नाउ लेट डिस्कस टेंसेस स्टूडेंट्स वर्ब चेंज टू लेट अस नो वेदर एन एक्शन हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड नाउ और इज येट टू हैपन्ड सो स्टूडेंट्स वर्ब हमें क्या बताती है कि कोई एक्शन जो है वो ऑलरेडी हैपेंड है मीन्स पहले हो चुका है तो वो क्या होगा आपका पास्ट और कोई एक्शन हैपन्स नाउ मीन्स अभी होगा अभी हो, हो रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे प्रेजेंट टेंस एंड इज येट टू हेट हैपन दैट इज़ फ्यूचर जो कि अभी होना है अभी हुआ नहीं है अभी होना है वो क्या होगा आपका फ्यूचर ओके यहाँ हमें कौन बताता है कि कौन सेक्शन कब हो रहा है टेंसेज ओके वर्ब इज एक्शन वर्ब इज एन एक्शन है ना तो हमें एक्शन कब हो रहा है कैसे पता चलेगा टेंसेस से ओके यू ऑलरेडी नो अबाउट वर्ब्स एंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस ओके स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है हमने पहले पढ़ लिया है हमने वर्ब्स के बारे में भी पढ़ लिया है डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट टेंस क्या हो आपका आई रन और प्रेजेंट कंटिन्यूज आई एम रनिंग दैट इज़ प्रेजेंट टेंस मीन्स मैं दौड़ता हूँ या आपकी दौड़ता हूँ बात हो गई कि आप डेली करते हो ये काम है ना आई एम रनिंग मीन्स मैं अभी दौड़ रहा हूँ है ना आई रन मीन्स आपकी हैबिट है या आपका शेड्यूल है जो आप काम करते हो और आई एम रनिंग मीन्स अभी कर रहे हो ओके नाउ लेट्स लुक एट सम More tenses. Past. Yesterday was Monday. Present. Today is Tuesday. Future. Tomorrow will be Wednesday. So students. This is difference. You can see. Yesterday was Monday. Uh, today is. Wednesday. So yeah, yesterday was. Tuesday. And today is. Wednesday. टुमारो विल बी थर्सडे दैट इज़ यस्टर्डे जो आपका टाइम चला गया ट्यूजडे आपका चला गया अब आप आपका वेडनसडे आ गया तो ट्यूजडे क्या था पास्ट यस्टरडे वॉज ट्यूजडे इज़ पास्ट टूडे इज़ वेडनसडे इज़ प्रजेंट आप जो आज है वो क्या आपका प्रजेंट टमोारो विल भी थर्सडे कल क्या होगा थर्सडे होगा दैट इज़ फ्यूचर जो आने वाला टाइम है वो क्या होगा क्या होता है आपका फ्यूचर आई वॉज सेवन ईयर ओल्ड लास्ट ईयर लास्ट ईयर में क्या बोल रहे हैं वो कि लास्ट ईयर में क्या था सेवन ईयर्स का था नो क्या हुआ पास्ट हो गया अभी टाइम चेंज हो गया है आई एम एट ईयर्स ओल्ड दिस ईयर अभी मैं एट ईयर्स का हो गया हूँ तो आपका सेवन ईयर्स तो अब मैं लास्ट ईयर था अब मैं टेन एट ईयर्स का हो गया हूँ तो सेवन ईयर्स क्या हो गया मेरा पास्ट और प्रजेंट क्या है मेरा एट ईयर्स है अभी मैं एट ईयर्स हूँ आई विल बी नाइन ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाऊँगा नाइन ईयर्स का वो क्या होगा मेरा फ्यूचर ओके लास्ट मंथ वॉज़ मार्च स्टूडेंट्स लास्ट मंथ वॉज सेप्टेंबर है न दिस मंथ इज अक्टूबर एंड नेक्स्ट मंथ विल भी नवम्बर तो लास्ट मंथ क्या था आपका पास्ट सेप्टेंबर और ये मंथ आपका अक्टूबर क्या है आपका प्रजेंट जो अभी दैट इज गोइंग ऑन दैट इज प्रेजेंट नेक्स्ट मंथ विल बी नवंबर जो आने आएगा अभी अभी आया ही नहीं है नवंबर तो क्या होगा आपका फ्यूचर ओके नाउ लेट्स डिस्कस पास्ट टेंस द पास्ट टेंस टेल्स दैट एन एक्शन हैज ऑलरेडी हैपन्ड समाइम अगो स्टूडेंट्स पास्ट टेंस हमें क्या बताता है कि कोई एक्शन जो है ऑलरेडी हैपन मतलब कुछ टाइम पहले कोई काम हो गया है कुछ टाइम पहले मीन्स uh, आप सोच सकते हो यस्टरडे हुआ है है ना दैट इज़ पास्ट टेंस ओके मिस्टर क्रैब डांस्ड ऑन द सैंड लास्ट नाइट मिस्टर क्रैब ने डांस किया लास्ट नाइट सैंड पे तो दैट वॉज पास्ट है ना पिछले पिछली रात को क्या था ना उसने डांस मिस्टर क्रैब ने पिछली रात को किया था डांस अभी तो नहीं कर रहा है वो तो वो क्या था आपका पास्ट ही प्लेड हाइड एंड सिक विद हिज फ्रेंड फ्रेंड्स ऑन द बीच प्लेड मीन्स पिछले टाइम की बात हो रही है पिछले कल की है ना पिछले कल की बात हो रही है पिछले कल किया था उसने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला था वो हाइड एंड सिक दैट वॉज पास्ट स्टूडेंट्स वी यूज इन पास टेंस वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर मोस्ट वर्ब्स यू कैन फॉर्म द पास टेंस बाई एडिंग ईडी एट द एंड आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स मोस्टली जो वर्ब्स हैं उनके साथ हम पास टेंस में क्या एड करते हैं ईडी एंड में हम ईडी एड करके उसको पास टेंस बनाते हैं दीज वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स उन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स जिनमें मैक्सिमम जिन वर्ब्स में ईडी डी यूज होता है ना फॉर एग्जाम्पल वॉक वॉकड वॉक इज प्रेजेंट फॉर्म वॉकड इज पास्ट फॉर्म क्लीन क्लीनड हियर क्लीन इज प्रेजेंट क्लीनड इज पास्ट लुक लुक्ड प्ले प्लेड सो हियर यू कैन सी हियर प्लेड इज यूज Here, played is used. Then, this is past tense. Okay. We played cricket yesterday. Here, yesterday is hint. And, played. Played means that is past. That is past tense. We played cricket yesterday. We played cricket She cleaned, cleaned her room on Saturday. Okay. Cleaned is past form.

In this, these verbs, we don't add ed here. Some changes are in the second form of verb. Come is first form of verb, uh, came is second form of verb. Means come is present, came is past, go went, see saw, sit, set, stand. Stood. Write. Wrote. Do. Did. Eat. Ate. Drink. Drank. Here. Sell. Sold. Why. What. Bring. Brought. Catch. Caught. Take. Took. Give. Gave. Meet. Met. Draw. Drew. Tell told. So, students, tell is present form of verb, told is past form of verb. For example, Mr. Octopus met Mr. Crab yesterday. Octopus jo hai wo met means the crab se yesterday. Aab met verb ki second form agi, past form agi. that is past. He told him. Some funny jokes here. Told they drank water from seashells. Drank is second form of verb, past form of verb. Here, there are also a few verbs that do not change form at all. Students, uh, some verbs do, do not change and do not change. Okay, which verbs mein change they still same in second form or third form of verb you can see hit hit cut cut hurt hurt shut shut put put cost cost so students for example i put mr crab in a water tank every night Students, this is uh, apukasipatashalega he past tense hai, या फिर प्रेजेंट कैसे पता चलेगा हेंट इज एवरी नाइट एवरी नाइट मीन्स डेली हैबिट डेली हैबिट है ना डेली हैबिट है तो ये क्या आपका प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस में आपकी क्या होती है डेली हैबिट्स हो गई है ना डेली शेड्यूल आई पुट मिस्टर क्रैब इन अ वाटर टैंक यस्टरडे दैट इज़ आपका यस्टरडे आपकी आप टेंस की हिंट हो गई तो ये क्या हुआ आपका पास्ट टेंस कि वर्ब्स तो आपके सेम है तो आपको पता कैसे चलेगा तो आपके पास कोई ना कोई हिंट होगी लाइक यस्टरडे इज हिंट ऑफ पास्ट एवरी नाइट इज हिंट ऑफ प्रेजेंट ओके रिमेंबर वी यूज द वर्ब्स वॉज वर एंड हैड इन द सिंपल पास टेंस और सिंपल पास टेंस में हम वर्ब्स यूज करते हैं वॉज वर एंड हैड ओके फॉर एग्ज़ाम्पल मिसटर क्रैब वॉज ऑन द बीच लास्ट नाइट ओके यहाँ पे क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है दिस इज हेल्पिंग वर्ब वॉज बर एंड हैड दिज आर हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट मिसटर क्रैब वॉज ऑन द बीच लास्ट नाइट लास्ट नाइट जो है मिस्टर क्रैब बीच पे थे ही हैड अ पीस ऑफ सी विट ऑफ फॉर डिनर हैड उसके पास था सी बीट का पीस था डिनर के लिए हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर हिम इन द वाटर ओके हेयर वर सो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू डू लेट्स ट्राई फाइव हेयर इज अ रेसिपी फॉर अ केक री राइट इट इन द पास टेंस टू टेल अ फ्रेंड एग्जैक्टली हाउ यू बेक्ड द केक द फर्स्ट सेंटेंस इज डन फॉर यू फर्स्ट सेंटेंस आपके पास दिया गया है First, grease a cake caked in with butter and flour and keep it aside. Then, beat some butter and sugar together till the mixture, till the mixture is fluffy. Then, add 3 eggs and whisk for 2 minutes. After, after that, gently stir in some flour. Pour the batter into the cake caked in and bake in hot oven. Take the cake out after 30 minutes and test it with a fork. Lastly, slice and enjoy it with a glass of hot milk. Now, now you have to do let's try five and learn form of verbs. Thank you.